उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के जंगल में तबाही की ऐसी आग लगी कि देखकर लोगों की रूह कांप रही है। आमो खास तो छोड़िए, आग की लपटों और उससे निकलते धुएं के गुब्बार से फायर फाइटर्स की टीम का बस निकलना भी मुश्किल हो गया है। घबराना नहीं है, धुएं से दिखाई नहीं दे रहा, आंखें बंद रखो। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब उन इलाकों की सड़कें भी लपटों की चपेट में आने से नहीं बच पा रही। शोलों पर आसमान से भी की जा रही पानी की बौछार तपिश को कम नहीं कर पा रही। दावा है कि कुमाऊं इलाके में 44% जंगल में आग लगी है, जिसमें अब तक 1145 हेक्टेयर जंगल का नुकसान हो चुका है और कुमाऊं के बड़े इलाके में कार्बन के बादल बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि 90% आग लोगों की लापरवाही की वजह से लगी है। इस बड़ी तबाही की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में केंद्र और उत्तराखंड सरकार आग रोकने के इंतजाम करने और इसके लिए नीति तैयार करने की मांग की गई है।